और इधर मौसम भी बहुत ही ज़्यादा खराब किया हुआ है, आप देख सकते हैं बादल पूरा है, काला किया हुआ है, फ्रेश उतना नहीं किया हुआ है, बादल में ही धूप है। इधर देख सकते हैं ये करम का पेड़ है, बहुत खोजने के बाद मिला है अभी एगो, और बहुत ही छोटा पेड़ है आप देख सकते हैं, और हम लोग आए हैं काटने के लिए, तो सचिन काट रहा है। जोहार दोस्तों, स्वागत करते हैं सुशील की ब्लॉग में। दोस्तों हम लोग हर तरफ सुबह से ही इधर बहुत ज़्यादा पानी गिर रही है, तो अभी थोड़ा बहुत कम किया है और लगभग 9:30 बज गया है, तो पानी कम होने की वजह से हम लोग आए हैं जंगल। और जंगल किस लिए आए हैं, तो हम लोग जंगल आए हैं ईंद काटने के लिए। तो आप लोग सोचिएगा कि ईंद क्या होता है, तो हमारे झारखंड में करम पूजा होती है, तो आज 14 तारीख है, तो आज कर्मा पूजा है, तो सुबह सुबह हम लोग ईंद काटने के लिए आते हैं करम का वही डाल को। और हम लोग खेत में और घर में और जो गोबर फेंकते हैं वहाँ भी हम लोग करम का डाल को गाड़ते हैं, ये हमारे झारखंड में पहले से ही चलता आ रहा है। तो वही हम लोग ईंद काटने के लिए आए हैं, तो यहाँ एक पेड़ है जो कि छोटा पेड़ है, तो हम लोग को खोजते खोजते इतना बड़ा जंगल में मिला। और हम लोग आए हैं तेतरिया वन तरफ, जंगल तरफ, इधर जंगल बहुत बड़ा है, तो इधर हम लोग ईंद काटने के लिए आए हैं। तो हमारे झारखंड में करम पूजा मनाया जाता है, जिसमें करम और धर्म देवता होते हैं, इसमें पूजा किया जाता है हमारे झारखंड के लड़कियां सब, और इसमें अपना सुख समृद्धि के लिए मांगते हैं पूजा करके अपने भाई के लिए। तो हमारे झारखंड में इसी पर्व को बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है, जिसमें ढोल नगाड़ा के साथ नृत्य भी किया जाता है, नाचा भी जाता है, और नाइट में पूजा होती है। इसमें तरह तरह के फूल का भी प्रयोग होता है, जिसमें धान अभी थोड़ा बहुत बढ़ गया होगा उसका भी प्रयोग किया जाता है, उसको फूल बोलते हैं, नाइट में उसको चढ़ाया जाता है करम और धर्म देवता के। पेड़ जो हम लोग काट के नाइट में लेते हैं उसी गाड़ दिया जाता है अखाड़ा में, और उसमें पूजा किया जाता है, और उसमें बहुत उसमें कहानी भी है, उसमें कहानी भी बताया जाता है कि किस तरह से करम पूजा मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है। तो कहानी मुझे उतना मालूम नहीं है, लेकिन हम बचपन से ही करम पूजा देखते आ रहे हैं, और इस बार भी हम लोग बहुत ही ज़्यादा धूमधाम से मना रहे हैं करम पूजा, हमारे गांव में भी मना रहे हैं, और हमारे झारखंड में पूरा सभी जगह मनाया जाता है करम पूजा। तो दोस्तों ये पर्व भादो मास के एकादशी में होती है, और जिसमें बहुत सारे बीज को बोया जाता है, जिसमें चना भी आता है, मक्का भी आता है, उड़द भी आता है, और एक डाल में उसको बालू उठाया जाता है नदी से या फिर कहीं तालाब से, और उसमें डाल में रखा जाता है, और 7 से 9 दिन के लिए इसको गाना गा
बाय बाय।